और ये शिकारपुर की सरजमी पर बहुत बड़ा फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है और इस फाइनल मुकाबले में बाबर क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और ओपनिंग पर बल्लेबाज आए हैं कौशल फ्रॉम खुर्जा और सत्तू फ्रॉम दिल्ली। बहुत ही बड़ा नाम है सत्तू फ्रॉम दिल्ली। सेमीफाइनल मुकाबले में भी लोकेश चाइना और गोलू गाजियाबाद थे अभी पिछले सेमीफाइनल में, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी सत्तू ने, 85 रन अकेले दम पर बनाए थे। और सामने वाली टीम में भी बहुत बहुत बड़े नाम हैं, आशिक अली, राजा अली लोनी और बाबर क्रिकेट क्लब में सत्तू, कौशल, जसप्रीत बुमराह, प्रिंस और जीशान क्रिकेट क्लब की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं राजा अली लोनी फ्रॉम गाज़ियाबाद। उनके सामने होंगे कौशल फ्रॉम खुर्जा। बेहतरीन फाइनल मुकाबला है। सत्तू फ्रॉम दिल्ली जो ओपन आए हैं बाबर क्रिकेट क्लब की ओर से, पिछले मैच में 85 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और इस फाइनल मैच की पहली बॉल लेकर चले राजा अली लोनी। बहुत बड़ा नाम है ये भी टेनिस क्रिकेट में, राजा अली लोनी। बहुत तगड़े ऑलराउंडर इस टीम में राजा अली लोनी, आशिक अली। पहली बॉल राजा की उठाकर मारा है और रन आउट होने का खतरा, बहुत बड़ा झटका हो जाता है सत्तू के रूप में और एक्स्ट्रा रन भी मिला, बहुत बड़ा झटका लग जाता सत्तू के रूप में। और अब स्ट्राइक पर होंगे सत्तू, सेमीफाइनल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले सत्तू। और पहली गेंद पर मानना चाहते थे सत्तू, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर राजा अली लोनी के द्वारा, जाने दिया। अभी भी एक रन है यहाँ। एक बार फिर से चले राजा अली लोनी सत्तू के लिए और सत्तू ने उठाकर खेला है एक रन के लिए। सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा सत्तू को और टीम का स्कोर बढ़कर पहुँचा है 2 रन। बाबर क्रिकेट क्लब का स्कोर पहुँचा है बढ़कर 2 रन। एक बार फिर से चले कौशल के लिए, कौशल उठाकर मारना चाहते थे, एम्पायर का इशारा नॉट आउट। मैं बता दूं आपको 8 ओवर का ये मैच है, 8 ओवर का ये फाइनल मैच है। शिकारपुर की सरजमी पर बहुत बड़ा फाइनल मैच चल रहा है और एक बार फिर से चले राजा और कौशल का अच्छा शॉट, पीछे फील्डर है आशिक अली, बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ आशिक अली के द्वारा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 3 रन। एक बार फिर से अपने ओवर में आखिरी मरतबा राजा, बेहतरीन ओवर रहा है अब तक राजा अली लोनी का, बहुत अच्छा ओवर रहा है अब तक राजा अली लोनी का। एक बार फिर राजा एम्पायर को पार करते हुए, एक बार फिर से चले राजा सामने सत्तू और सत्तू के आउट होंगे। बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट दे दिया है राजा अली लोनी ने सत्तू के रूप में, जो कि दिल्ली से आए थे सत्तू। और पब्लिक भरपूर मजे ले रही है, बहुत तगड़े बल्लेबाज थे ये सत्तू। राजा ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है सत्तू ने, पब्लिक भरपूर वाला एंजॉय कर रही है। पिछले मैच में 10 छक्के लगाए थे सत्तू ने और 1 रन पर आउट कर दिया यहाँ पर। और इनिंग का दूसरा और अपने ओवर का पहला ओवर लाए लक्ष्य फ्रॉम दिल्ली से और अच्छी बॉल यहाँ पर लक्ष्य की, बेहतरीन बॉल दी है लक्ष्य की। ये दिल्ली से आए हैं लक्ष्य, बहुत अच्छे बॉलर हैं ये भी। सामने है बल्लेबाज कौशल फ्रॉम खुर्जा। एक बार फिर से चले लक्ष्य और बेहतरीन बॉल लक्ष्य की, बहुत ही शानदार बॉल लक्ष्य की, समझ नहीं पा रहे हैं कौशल। एक बार फिर से चले लक्ष्य फ्रॉम दिल्ली कौशल के लिए और फिर से अच्छा बॉल है, वहां पर फील्डर मौजूद और अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलता हुआ यहां कौशल को। और अब स्ट्राइक पर आए साहिल,
स्ट्राइक पर हैं साहिद और बेहतरीन बॉल करा रहे हैं यहाँ पर लक्ष्य। मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करा रहे हैं लक्ष्य, लेकिन बाहर जाती हुई कीपर के सीधे हाथों में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से लक्ष्य चले साहिल के लिए और फिर से काफी स्विंग डिलीवरी, बहुत ही स्विंग करा रहे हैं लक्ष्य। बल्ला कहीं बॉल कहीं, बेहतरीन फाइनल मुकाबला चल रहा है। मैं बता दूं आपको, लक्ष्य दिल्ली से बहुत अच्छे बॉलर हैं लक्ष्य। एक बार फिर से और ये भी अच्छा बॉल था और अच्छा शॉट साहिल का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। अच्छी बॉलिंग के बाद एक चौका आता हुआ साहिल के बल्ले से और स्कोर बढ़कर पहुंचा है दो ओवर के बाद 8 रन। काफ़ी लो स्कोर, 8 ओवर का ये मैच है। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लाए हैं भूवी फ्रॉम दिल्ली। ये भी दिल्ली से ही है, बहुत ही शानदार बॉलर है ये भी दिल्ली के, भूवी दिल्ली खलनायक के सारे ही स्टार इस मैच में हैं। और चले कौशल के लिए भूवी और काफ़ी अच्छी रफ्तार से बॉल थी भूवी की, बहुत ही अच्छी रफ्तार के साथ थी बॉल, बांध कर रखा है अभी तक जीशान क्रिकेट क्लब के सभी बल्लेबाजों को, माफ़ कीजिए बाबर क्लब के सारे ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा है जीशान क्लब के बॉलर्स ने। शानदार बॉलर, बॉलिंग अटैक और बैटिंग अटैक है जीशान क्रिकेट क्लब के बीच। एक बार फिर से चले भूवी फ्रॉम दिल्ली कौशल के लिए और क्लीन बॉल कर दिया है भूवी ने और दर्शक काफ़ी इंजॉय करते हुए, और एक और बड़ा झटका दे दिया है कौशल के रूप में। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर भूवी के द्वारा, तीसरा झटका लग गया है 8 रन के स्कोर पर। और अब कौशल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं दानिश बल्लेबाजी करने आए हैं दानिश, लेफ्ट से बैट्समैन है दानिश। ये भी शानदार बल्लेबाज हैं पर उससे भी तगड़ा बॉडी बॉलिंग अटैक है जीशान के, और आते ही गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला छक्का दानिश ने आते ही बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया है छक्के के लिए और स्कोर बढ़कर पहुँचा है 14 रन। एक बार फिर से चले भूवी, उनके सामने होंगे दानिश और फिर से आगे बढ़कर शॉट खेल दिया है। एक हो पाएगा ये 2 रन, एक ही मिल पाएगा, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 15 रन। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें जीशान क्लब की ओर से, भूवी फ्रॉम दिल्ली शानदार गेंदबाजी करा रहे हैं और अब स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज साहिल। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर साथ भूवी की, बेहतरीन गेंदबाजी भूवी की। एक बार फिर से चले भूवी साहिल के लिए और फिर से अच्छी बॉल थी यहाँ पर, छोटे से कच्चे बॉल आ रहे हैं पर बहुत ही स्पीड है इनके पास, भूवी के पास दिल्ली से आए हैं। बहुत ही शानदार 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बढ़कर पहुंचा है बाबर क्रिकेट क्लब का 16 रन। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं राजा अली लोनी, सामने है साहिल। बहुत बड़ा फाइनल मैच चल रहा है शिकारपुर की सरजमीं पर और चले राजा और फुल टॉस बॉल और अच्छी फील्डिंग हुआ आशिक अली के द्वारा, 1 रन मिलता हुआ पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 17 रन। एक बार फिर से राजा चले दानिश के लिए और बेहतरीन बॉल राजा की, समझ नहीं पाए यहाँ दानिश, बेहतरीन गेंदबाजी करा रहे हैं राजा। एक बार फिर चले राजा और दानिश का अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहां पर दानिश का, दानिश के बल्ले से निकलता हुआ है 2रा छक्का।
और स्कोर बढ़कर पहुंचा है 23 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश, एक बार फिर से राजा दानिश के लिए, और अच्छी बॉल यहां पर, बेहतरीन बॉल राजा की, अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से राजा चले दानिश के लिए, और छोटा बॉल और गेंद फेंक दिया है 6 रनों के लिए। राजा के बल्ले से निकलता हुआ ये 3रा छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा, सारे ही दिल्ली के बड़े स्टार इस मैच में मौजूद हैं। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 29 रन, बताएं, और फिर से अच्छा शॉट है दानिश का, एक ही रन मिलेगा, घर से रुक गया, ग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पे। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 30 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। एक बार फिर से भूवी, और बेहतरीन बॉल थी ये भी भूवी की, इनिंग का 5वां ओवर अपने कोटे का 2रा ओवर लाए हैं भूवी, 5 बॉल बचे रन आउट होने से, और भूमि दानिश बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली अब तक हमें जीशान के बॉलर्स के द्वारा, जीशान क्रिकेट क्लब के बॉलर्स के द्वारा। इकलौते दानिश हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस फाइनल मैच में। एक बार फिर से चले भूवी, और काफी छोटा बॉल था ये, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बढ़कर पहुंचा 32 रन। एक बार फिर से चले भूवी साहिल के लिए, और बेहतरीन शॉट, 9 लुक शॉट, और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, 9 लुक शॉट था ये साहिल के बल्ले से। इसी 6 के साथ स्कोर हुआ है 38 रन 6 रन के लिए। किस तरह इसको, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल और दानिश। एक बार फिर से चले भूवी, और फिर से काफ़ी स्पीड थी इस बॉल के अंदर, और अच्छी वापसी यहां पर छक्का खाने के बाद भूवी, बहुत ही शानदार बॉलर हैं दिल्ली के भूवी। स्कोर है अभी भी 38 रन, इनिंग का 5वां, और भूवी के कोटे का ये 2रा ओवर है। शानदार मुकाबला चल रहा है ये फाइनल मुकाबला, अभी सेमीफाइनल मैच में हमने बहुत बड़े बड़े नाम देखे थे, उसमें भी चाइना और गोलू गाजियाबाद सिप्पी सबको हरा कर घर भेजा है अभी इस टीम ने जो बैटिंग करे। और फिर से बहुत अच्छा शॉट, ऊंची भी और गेंद दूरी भी, एक और छक्का निकलता हुआ यहां पर साहिल के बल्ले से। इसी 6 के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 45 रन 5 ओवर के बाद स्कोर है 44 रन। एक बार अभी 5 ओवर नहीं हुए, एक बार फिर से भूवी, और एम्पायर का इशारा 9 बॉल, एम्पायर का इशारा 9 बॉल, एम्पायर का इशारा 9 बॉल। देखते हैं फिर हिट पर कितना फ़ायदा उठाते हैं साहिल, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। एक बार फिर से चले भूवी साहिल के लिए, और बेहतरीन बॉल, बेहतरीन फिर हिट बॉल थी है भूवी की, डॉट कर दी है बॉल। स्कोर अभी भी 45 रन। एक बार फिर से चले भूवी साहिल के लिए, और भूवी का फिर से अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर है राजा, और बेहतरीन कैच राजा का, और 3रा झटका लग गया है यहाँ पर, 3रा झटका लगता हुआ है यहाँ पर। राजा ने अच्छा कैच किया, मिड विकेट पर खड़े हुए, और 3रा झटका लगता हुआ यहाँ पर बाबर क्रिकेट क्लब को। देखते लक्ष्य, इनिंग का 6ठा ओवर अपने कोटे का 2रा ओवर लाए हैं लक्ष्य, सामने है दानिश, और बेहतरीन बॉल लक्ष्य की, बेहतरीन बॉल लक्ष्य की, बीट हुए हैं दानिश। एक बार फिर से चले लक्ष्य दानिश के लिए, और बेहतरीन बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, लक्ष्य द्वारा वाइड बॉल फेंकी गई, 1 रन का और इजाफा स्कोर में, वसीम पासा स्कोर काटकर है बराबर, दूसरे ओवर फेंकते हुए। एक बार फिर से चले लक्ष्य दानिश के लिए, और फिर से बेहतरीन बॉल लक्ष्य की, वीट हुए यहाँ पर गली की तरफ खेल दिया दानिश, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश। एक बार फिर से चले लक्ष्य, और मुजीब रिवर्स स्वीप मानना चाहते थे, भाग कर 1 रन और मुजीब को मिला यहाँ, स्ट्राइक पर आते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कहेंगे हम,
क्योंकि छोटा सा ही ग्राउंड है, अभी लक्ष्य बहुत कम है, छठा ओवर चल रहा है। दूसरी टीम में ही बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे कि आशिक अली, राजा अली लोनी, एक बार फिर से चले लक्ष्य और एक रन के लिए खेल दिया है कीपर भागे और दो रन, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, मिड विकेट पर खड़े पिलर ने गेंद को फील्ड की, एक बार फिर से चले लक्ष्य और दानिश का अच्छा शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप कर दिया है यहां पर भूवी ने, एम्पायर का इशारा देखते हैं अभी, एक रन और मिला यहां पर दानिश को, एक बार फिर से चले और बेहतरीन बॉल यहां पर लक्ष्य की, बेहतरीन बॉल लक्ष्य, बहुत शानदार ओवर रहा यहां पर लक्ष्य का। छः ओवर की समाप्ति हो चुकी है चार विकेट के नुकसान पर, स्कोर हुआ है 52 रन छः ओवर की समाप्ति पर और इनिंग का 7 ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लाए आशिक अली, उनका सामना करेंगे दानिश, चले आशिक पहली बॉल लेकर अपने स्पेल की, पहली बॉल शानदार बॉल, शानदार बॉल यहां पर आशिक अली की, एक बार फिर से चले आशिक अली दानिश के लिए और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, भाई गेंद फेंकने की कोशिश की जो वाइट के रूप में एक एक्स्ट्रा रन पावर पावर के फिर, एक बार फिर से चले आशिक अली दानिश के लिए और कैच आउट, बहुत बड़ा झटका दे दिया है आशिक अली ने, बहुत बड़ा झटका दे दिया है आशिक अली ने दानिश के रूप में, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दानिश, पवेलियन का और का रास्ता दिखा दिया आशिक अली ने दानिश को, और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं डीजे, डीजे बिग हिटर हैं डीजे, आते ही कट कर दिया पॉइंट की तरफ, एक रन के लिए तौल पड़े डीजे और दो रन के लिए दौड़े, एक रन ही मना कर दिया है मुजीब ने, मुजीब स्कोर हुआ है अभी भी 54 रन, एक बार फिर से चले आशिक अली मुजीब के लिए और फिर से आशिक अली की अच्छी बॉल, स्कोर हुआ है 55 रन, काफ़ी ख़राब बैटिंग देखने को मिल रही है हमें बाबर क्रिकेट क्लब की ओर से, डीजे एक बार फिर से आशिक अली चले डीजे के लिए और डीजे ने उठाकर खेला है कैच आउट, कैच आउट, आशिक अली को मिलता हुई दूसरी सफलता, आशिक अली को मिलता हुई दूसरी सफलता डीजे के रूप में, बेहतरीन बल्लेबाजी आशिक अली की, बेहतरीन गेंदबाजी करा रहे हैं आशिक अली और अब नए बल्लेबाज हैं बुमराह, बल्लेबाजी करने आ रहे हैं बुमराह, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए, देखते हैं बैटिंग में क्या करेंगे बुमराह, और आते ही उठाकर मारा है कि ये कैच होंगे या नहीं देखना पड़ेगा, एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा क्या है ये, अभी देखना पड़ेगा क्या है ये, 6 हैं या 4 हैं या 2 रन है, एम्पायर का इशारा 2 रन, सात ओवर की समाप्ति के बाद बाबर क्रिकेट क्लब का स्कोर है 57 रन और इनिंग का लास्ट और अपने कोटे का पहला ओवर लाए विष्णु जाट, सामने है मुझे विष्णु जाट लेकर चले अपनी पहली बॉल, फुल टॉस बॉल और एम्पायर का इशारा नो बॉल और 4 रन, ये 5 रन होंगे, 57 और 5 स्कोर बढ़कर पहुंचा है 52 रन, 52 रन हो गए हैं 7 ओवरों में, माफ कीजिए 62 रन हो गए हैं 5 ओवरों में, स्कोर हो चुका है 62 रन, एक बार फिर से फ्री हिट बॉल है और फ्री हिट बॉल मुजीब ने बहुत दूर फेंक दिया है इस फ्री हिट बॉल को, फुल टॉस बॉल थी, जबरदस्त छक्का यहाँ मुजीब के बल्ले से, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 68 रन, स्कोर हुआ है 68 रन, इनिंग का ये लास्ट ओवर है, फाइनल मुकाबला चल रहा है, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है, स्कोर बढ़कर पहुंचा 68 रन, अभी भी 5 बॉलें बची हुई इस मैच की, देखते हैं
इस इनिंग की 5 बॉलें बाकी है, देखते हैं और कितना स्कोर खड़ा करते हैं बाबर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज। स्कोर हो चुका है 68 रन एक बार फिर से, और हैंड बदल के फिर से खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में, और एक रन 2 रन स्कोर हुआ है 70 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 70 रन, और एम्पायर का इशारा है ये डेड बॉल, डेड और हवा चलती हुई डेथ में, डेड बॉल है ना ही ये रन है ना ही ये बॉल मानी जाएगी। एक बार फिर से चले और फिर से अच्छा शॉट, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के पार फेंक दी है, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 74 रन। शानदार बल्लेबाजी कर रहा है मुजीब, स्कोर हुआ है 74 रन। एक बार फिर से चले विष्णु जाट मुजीब के लिए, और फिर से डेड बॉल, बहुत ही खराब बॉलर लग रहे हैं, अपने पैरों में टप्पा मार रहे हैं विष्णु जाट। स्कोर बढ़कर 74 पहुंच चुका है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी चल रही थी जीशान क्रिकेट क्लब की, और फिर से अच्छा शॉट, पीछे फील्डर हैं, काफ़ी अच्छी फील्डिंग, और दूसरा लेना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन, और स्कोर बढ़कर पहुंचा 76 रन। और फिर से चले और फिर से मुजीब का अच्छा शॉट, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं मुजीब, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 76 और 82 रन। जो लक्ष्य छोटा लग रहा था मैं वो बड़ा करते हुए यहां पर मुजीब, काफ़ी ख़राब गेंदबाजी विष्णु के द्वारा, 4 बॉलों में 25 रन दे चुके हैं, 4 बॉलों में 25 रन दे चुके हैं विष्णु, और फिर से खराब बॉल, फिर से 6 रन, बेहतरीन छक्का यहां पर मुजीब के द्वारा, स्कोर आ चुके हैं इस ओवर में 32 रन आ चुके हैं इस ओवर में, स्कोर बढ़कर पहुंचा 88 रन। अभी भी एक बॉल बाकी है इस ओवर की, 5 बॉलों पे 31 रन आ चुके हैं, 5 बॉलों पर 31 रन आ चुके हैं मुजीब, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इनिंग की लास्ट बॉल है, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 82 रन, 32 रन 31 आ चुके हैं, और 31 और 6 37 रन का ओवर रहा है ये विष्णु का, और मुजीब की शानदार पारी 82-6, स्कोर बढ़कर पहुंचा 88 रन, 37 रन खर्च किए, 88 रन का टारगेट दिया है यहाँ पर, 88 रन बनाए, 89 रन का टारगेट दिया है बाबर क्रिकेट क्लब ने जीशान क्रिकेट क्लब को, कीजिए 94 रन का टारगेट है, 94 रन का टारगेट है, क्योंकि 88 के बाद छक्का मारा था, 95 रन बनाने होंगे जीत के लिए। मौसम बहुत खराब होने हो रहा है यहाँ पर, लगता है बारिश आ जाएगी, सामने देख सकते हैं आप, और ओपनिंग करने के लिए आए हैं जीशान क्रिकेट और से आशिक अली और लाला। लाला के पैर में चोट है, इसलिए उन्होंने शूज नहीं पहने हैं, पैर में उनके हल्की सी चोट है उंगली में, इसलिए उन्होंने जूते नहीं पहन रखे। बाबर क्लब की ओर से पहला ओवर डालेंगे प्रिंस, उनके सामने होंगे बल्लेबाज लाला, नॉन स्ट्राइक पर है आशिक अली, और चले प्रिंस पहली बॉल लेकर लाला के लिए, पहली बॉल अच्छी बॉल प्रिंस की, एक बार फिर से चले प्रिंस लाला के लिए, और लाला ने उठाकर खेला है लेग साइड की दिशा में, और एक ही रन मिल पाएगा इसी एक रन के साथ जीशान क्रिकेट क्लब का खाता खुलता हुआ। अगर जीशान क्रिकेट क्लब को फाइनल मैच जीतना है तो 95 रनों का टारगेट चेस करना होगा, और उसमें अहम योगदान रहेगा आशिक अली का, अगर ये खड़े रहे तो इस मैच को 6 ओवरों में ही समाप्त कर देंगे। जिस किस्म के ये बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं आशिक अली, जहां भी जाते हैं रन बनाते हैं। एक बार फिर से चले प्रिंस आशिक अली के लिए, और आशिक अली उठाकर मारना चाहते थे डॉट बॉल, बंदा बहुत मेहनत करता है आशिक अली, जहाँ भी जाता है हर जगह रन बनाता है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, जितनी भी हम तारीफ करें इनकी कमी कम है। एक बार फिर से चले प्रिंस,
और अच्छा शॉट था यहाँ आशिक अली का, घर पर जाकर लगी बॉल क्योंकि बीच ही ग्राउंड में घर है यहाँ पर। एक रन के साथ आशिक अली का खाता खुलता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 रन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं लाला और बॉलर हैं प्रिंस। इसी बीच पहला ओवर चलता हुआ अभी तक 4 गेंदों में, एक बार फिर से चले प्रिंस लाला के लिए और लाला का बेहतरीन शॉट और पहला छक्का निकलता हुआ जीशान क्रिकेट क्लब की ओर से। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 8 रन, शानदार बल्लेबाजी लाला के द्वारा। मैं बता दूं उंगली में चोट है इसलिए शूज नहीं पहन रखे इन्हें इन्होंने। मैंने इनसे पूछा था आपने जूते क्यों नहीं पहने, तो उन्होंने बोला मेरे उंगली में चोट है इस वजह से मैंने नहीं पहन रखे हैं। एक बार फिर से प्रिंस सामने होंगे लाला चले प्रिंस लाला के लिए और बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है फिर से तारा मंडल में, एक और 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर लाला, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 14 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हुआ है 14 रन। पहला ओवर को बिना किसी विकेट के 14 रन, तो छक्के बैक टू बैक अभी लाला ने चला वाली हुई। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं बुमराह, सामने है उनके आशिक अली और चले बुमराह आशिक अली के लिए छोटे कदमों से एम्पायर को पार करते हुए और बेहतरीन यॉर्कर का लाइन बॉल बुमराह की और उसको डिफेंस कर दिया यहां पर आशिक अली ने। बेहतरीन बॉल दी है बुमराह की, एक बार फिर से बुमराह आशिक अली के लिए चलते धीरे धीरे कदमों से और छोटा बॉल और 6 रन। पहला छक्का निकलता हुआ है आशिक अली के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का आशिक अली के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का जिस नाम से जाने जाते हैं दिखाया उन्होंने। बहुत तेज हवा चल रही है फिर भी छक्के को पार कर दिया है आशिक ने, पहला छक्का आशिक की पारी का, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 20 रन। एक बार फिर से चले बुमराह और सामने होंगे उनके आशिक अली, चले बुमराह आशिक अली के लिए और आशिक अली उठाकर मानना चाहते थे। अच्छी बॉल यहां पर जसप्रीत बुमराह की, छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी यहां बुमराह की, स्कोर बढ़कर पहुंचा 21 रन। एक बार फिर से चले बुमराह, सामने है लाला और क्लीन बॉल कर दिया है बुमराह ने लाला को, क्लीन बॉल कर दिया है और एक्शन दिखाते हुए अपना लाला बॉल होकर वापसी जाते हुए बुमराह ने दिखाया सेलिब्रेशन कैच था है बुमराह का, अभी दिखाया बुमराह ने अभी पहला विकेट जिशान क्रिकेट क्लब का 21 रन के स्कोर पर। और अब बल्लेबाजी करना है मोंटू, उनके सामने है बुमराह और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 22 रन। एक बार फिर से चले बुमराह मोंटू के लिए, बुमराह चले मोंटू के लिए और उठाकर मारा है क्या 6 रन, यस 6 रन। पहला छक्का मोंटू की पारी का, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 28 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 28 रन। और काफ़ी समझा रहे हैं यहां पर आशिक अली के, आराम से खेलो ये रन हम चेस कर लेंगे। एक बार फिर से चले बुमराह, सामने है मोंटू और फुल टॉस बॉल थी, 1 रन और मिलाया मोंटू को, स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 29 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। 2 ओवर की समाप्ति पर जीशान क्रिकेट क्लब का स्कोर है 30 रन, इनिंग का तीसरा और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं दानिश, उनके सामने होंगे
मोंटू, अच्छी बल्लेबाजी रही है अब तक जिशान क्रिकेट क्लब की ओर से। दो ओवरों में 30 रन का लक्ष्य रख दिया है। अच्छी तरह से चेजिंग चल रही है एक बार फिर दानिश मोंटू के लिए। और बेहतरीन यॉर्कर, क्या रन आउट हो सकते हैं? और डायरेक्ट थ्रो होती तो रन आउट हो जाते हैं मोंटू। अच्छी रनिंग आज ही गली की। स्कोर हुआ है 31 रन। एक बार फिर से चले दानिश आशिक अली के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक आशिक अली। और चले दानिश दूसरी मर्तबा और उठाकर मारना चाहते थे आशिक अली पर बेहतरीन बॉल दानिश की। स्कोर अभी भी 31 रन इनिंग का 30 ओवर जिसको अंजाम दे रहे हैं दानिश। एक बार फिर से दानिश उनके सामने हुए आशिक अली। और क्या कैच हो सकता है? नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी पहले बॉल गिर गई कीपर से। अच्छी वापसी यहाँ पर दानिश की। बहुत अच्छी बॉल करा रहे हैं दानिश, बांध कर रखा है अभी तक आशिक अली को। एक बार फिर से चले दानिश आशिक अली के लिए और सीधा शॉट पीछे फील्डर हैं प्रिंस। एक रन और मिलता हुआ आशिक अली को। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 32 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 32 रन। काफ़ी अच्छा ओवर रहा है दानिश का। मात्र 2 रन खर्च किए हैं अभी अपने ओवर में दानिश ने। बेहतरीन बॉलिंग दानिश के द्वारा। एक बार फिर दानिश चले मोंटू के लिए। और कैच ड्रॉप और पीछे थर्ड मैन पर फील्डर था, कीपर के हाथ पर लग के उन्होंने कैच पकड़ लिया। बेहतरीन कैच कहेंगे हम सत्तू का। कीपर ने छोड़ा और थर्ड मैन पर खड़े फील्डर सत्तू ने कैच कर लिया। और जिशान क्रिकेट क्लब को लगी दूसरा झटका लगा। और अब बैटिंग पर आ रहे हैं राजा अली लोनी। बेहतरीन गेंदबाजी करा रहे हैं दानिश, झटका दे दिया है और सिर्फ 5 बॉल पर 2 ही रन खर्च किए हैं अब तक इस ओवर में। अभी भी जिशान क्रिकेट क्लब का स्कोर है 32 रन। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं राजा अली लोनी। बहुत बड़ा नाम है ये भी, गाजियाबाद से हैं राजा अली लोनी। और उनके सामने है दानिश। और छोटा बॉल और पहली बॉल पर छक्के से खाता खोला है राजा ने। पहली बॉल पर छक्के से खाता खोला है राजा ने आते ही। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 38 रन जिशान क्रिकेट क्लब का। इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए बुमराह। उनके सामने आशिक अली। छोटे-छोटे कदमों से टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम आशिक अली और उतना ही बड़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का। चले बुमराह आशिक अली के लिए। और आशिक अली उठाकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 38 रन पर रुका हुआ। एक बार फिर से चले बुमराह आशिक अली के लिए। और एम्पायर का इशारा नो बॉल और फ्री हिट। नो बॉल और फ्री हिट। स्कोर हुआ है 39 रन। देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं आशिक अली। फ्री हिट बॉल है, देखते हैं इस फ्री हिट बॉल का क्या कितना फायदा उठाते हैं आशिक अली। बुमराह लेकर चले फ्री हिट बॉल आशिक अली के लिए। फ्रीड बॉल और एम्पायर का इशारा 6 रन। भरपूर फायदा उठाते हुए फ्रीड का आशिक अली। आशिक अली के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आशिक अली, जिस नाम से जाने जाते हैं वैसे ही काम करके दिखा रहे हैं। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 45 रन। एक बार फिर से बुमराह चले आशिक अली के लिए। और फिर से अच्छा फ्लिक शॉट पीछे फील्डर है मुजीब।
और अच्छी फील्डिंग यहाँ मुझी और कीपर डीजे की। एक बार फिर से चले बुमराह राजा के लिए और उठाकर खेला है 6 रन के लिए है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए स्कोर 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए जिशान क्रिकेट क्लब के 50 रन पूरे हुए हैं यहाँ जिशान क्रिकेट क्लब के। एक बार फिर से चले जसप्रीत बुमराह सामने है राजा अली रोनी फ्रॉम गाजियाबाद और अच्छी बॉल दिया और देखना पड़ेगा कितने रन लेंगे यहाँ बल्लेबाज राजा। सिर्फ 1 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा 51 रन स्कोर हुआ है अभी भी 51 रन। एक बार फिर से चले बुमराह आशिक अली के लिए और आशिक अली ने उठाकर खेल दिया है पीछे फील्डर है दानिश 1 रन और मिलता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 52 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा 52 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। और यहां पर जिशान क्रिकेट क्लब को 44 बॉलों में 43 रन चाहिए जीत के लिए। अगर ये फाइनल मैच जीतना है तो 44 बॉलों में 43 रन बनाने होंगे। एक बार फिर से चले साहिल आशिक अली के लिए पहली बॉल लेकर और आशिक अली ने खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ पीछे फील्डर हैं बुमराह 1 रन और मिलता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 रन। इनिंग का 5वां ओवर अपने क्वार्टर का पहला ओवर लेकर आए साहिल स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 अभी भी जीत के लिए 23 बॉलों पर 42 रनों की दरकार। एक बार फिर से चले साहिल राजा के लिए और राजा ने फिर से खेल दिया 1 रन के लिए 1 रन और मिलता हुआ राजा को स्कोर बढ़कर पहुंचा 54 रन। काफ़ी तेज हवाएं चलते हुई इस ग्राउंड पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। एक बार फिर से चले साहिल आशिक अली के लिए और पुल करना चाहते थे मात्र 1 ही रन मिलेगा स्कोर बढ़कर पहुंचा 54 रन अभी भी 41 रन जीत के लिए चाहिए। एक बार फिर से चले साहिल राजा के लिए और राजा ने फिर से उठाकर मार दिया है 6 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा 6 रन एम्पायर का इशारा 6 रन 6 रन राजा अली के बल्ले से राजा अली के बल्ले से निकलता हुआ एक और 6 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। फील्डर कहां पहुंच पाएगा फील्डर मारकर खेलते हुए राजा। एक बार फिर से चले राजा के लिए और राजा का अच्छा शॉट एक और छक्का लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया है राजा अली लोनी फ्रॉम गाजियाबाद ने स्कोर बढ़कर पहुंचा है 65 रन। जीत के लिए चाहिए 30 रन 65 रन स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से चले राजा के लिए और राजा ने फिर से खेल दिया है सीधा शॉट है पीछे फील्डर है प्रिंस और चीज चीज के लिए जाने जाते हैं राजा स्कोर बढ़कर पहुंचा 66 रन स्कोर हुआ है 5 ओवर के बाद 67 रन इनिंग का 6वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए मुजीब। इसी बीच मुजीब नजीब सॉरी पहली बार राजा के लिए पहली बॉल और 6 रन राजा के बल्ले से निकलता हुआ एम्पायर का इशारा भी देखना पड़ेगा 6 हैं या 2 रन है देखना पड़ेगा 6 हैं या 2 रन है। और एम्पायर का इशारा ये कुछ नहीं है गेंद बिल्डिंग पे लगकर वापसी आ गई चारों तरफ दिखा दूं मैं घर हैं इनके पार जाने के पर छक्का होगा स्कोर अभी भी 67 रन। एक बार फिर चले और कैच आउट बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर राजा अली लोनी के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया है यहाँ
तीसरा झटका लग गया है और अब आशिक अली के कंधों पर और जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और राजा अली लोनी के बाल आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं। लक्ष्य क्या लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे, लक्ष्य देखना होगा। बॉलर है मुजीब, जितनी शानदार बल्लेबाजी की थी उतना ही शानदार ओवर है ये अभी तक मुजीब का। और लक्ष्य ने आते ही इनकी दशा बिगाड़ दी है और बहुत लंबा छक्का मार दिया है, उनकी लाइन और लेंथ की दशा बिगाड़ी आते ही लक्ष्य ने, स्कोर बढ़कर पहुँचा 73 रन। एक बार फिर से चले मुजीब लक्ष्य के नहीं और फिर से फुल टॉस बॉल और फिर से दशा बिगाड़ दी है बॉलर की। जैसे रन खाए थे वैसे ही रन, जैसे रन मारे थे वैसे ही रन खा रहे हैं मुजीब। अपनी दवाई कड़वी लग रही होगी इनको क्योंकि इन्होंने लास्ट ओवर में 37 रन बनाए थे और इनके लक्ष्य ने भी आते ही 2 पर 2 जड़ दिए हैं इन पर। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 79 रन, लगभग इस फाइनल के करीब आ चुकी है ज़ीशान क्रिकेट क्लब। एक बार फिर से चले मुजीब और फिर से मानना चाहते थे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, स्कोर अभी भी 80 रन। जीत के लिए चाहिए मात्र 15 रन, जीत के लिए चाहिए 15 रन, इसके बाद 2 ओवर बाकी हैं। एक बार फिर से मुजीब लक्ष्य के लिए और फिर से अच्छा शॉट, 1 रन और मिलता हुआ, स्कोर हुआ 81 रन। लक्ष्य ने इस ओवर में दिखाया लक्ष्य का पीछा कैसा किया जाता है और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 81 रन। इनिंग का 7वां और अपने कोटे का 2रा ओवर लेकर आए दानिश, जीत के लिए चाहिए 14 रन 12 बॉल पर। अगर 12 बॉल पर 14 रन बनाते हैं तो इस फाइनल मुकाबले को अपने हाथों में ले लेंगे ट्रॉफी चमचमाती हुई ज़ीशान क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज। और चले दानिश, 12 बॉलों पर 14 रन की दरकार और डॉट बॉल। अभी भी 11 बॉल पर 14 रन की दरकार इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए ज़ीशान क्रिकेट क्लब को। एक बार फिर से चले दानिश और फिर से उठाकर मानना चाहते थे फिर से डॉट बॉल। अभी भी 10 बॉलों में जीत के लिए चाहिए 14 रन, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर दानिश की। एक बार फिर से दानिश लगातार 2 बॉलें डॉट कर दी हैं लक्ष्य के ऊपर दानिश ने और एक बार फिर से चले 3री बॉल लेकर अपने ओवर की 3री बॉल डॉट बॉल, लगातार 3 बॉलें डॉट कर दी हैं लक्ष्य ने, प्रेशर बढ़ रहा है। अब चाहिए 9 बॉलों पर 14 रन, ऐसा लग रहा है मुझे ये मैच फंस रहा है धीरे धीरे। लक्ष्य ने लगातार 3 बॉलें डॉट कर दी हैं, 3 बॉलें डॉट कर दी हैं लक्ष्य ने लगातार। अभी भी 9 बॉल पर 14 रन की दरकार है। और चले लक्ष्य के लिए दानिश और लक्ष्य ने उठाकर खेल दिया है एम्पायर का इशारा, 2 रन 8 बॉलों पर 12 रन की दरकार। अभी भी 8 बॉलों पर 12 रन की दरकार, 8 बॉलों पर जीत के लिए चाहिए 12 रन। एक बार फिर से चले दानिश लक्ष्य के लिए और फिर से बेहतरीन बॉल, लेग बाई के रूप में 1 रन और मिलता हुआ, बेहतरीन ओवर दानिश का। 5 बॉलों पर सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं, जीत के लिए चाहिए 11 रन, 7 बॉलों पर 11 रन जीत के लिए। रोमांचक मैच होता जा रहा है और बहुत ही रोमांचक मैच होता जा रहा है ये फाइनल मुकाबला। आसान नहीं होता है फाइनल में प्रेशर झेलना किसी भी बल्लेबाज को। 7 बॉलों पर अभी भी चाहिए 11 रन, सामने है आशिक अली और अच्छा शॉट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में निकलता हुआ आशिक अली का और दर्शक भरपूर मनोरंजन करते हुए। अब जीत के लिए चाहिए 7 रन, 6 बॉलों पर 7 रन चाहिए जीत के लिए, जीत के लिए चाहिए 6 बॉलों पर 7 रन। बहुत ही रोमांचक मैच होता जा रहा है, बढ़िया बहुत बढ़िया लगते ही छह। बॉलर हैं प्रिंस और उनके सामने है लक्ष्य, जीत के लिए लक्ष्य चाहिए 7 रन, क्या लक्ष्य इस लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे या नहीं देखना होगा। एक बार फिर से चले पहली बॉल लेकर लास्ट ओवर की, पहली बॉल और बेहतरीन शॉट, क्या कैच हो पाएगा या नहीं और एम्पायर का इशारा देखना होगा क्या है। 6 रन,
छह रन मार दिए हैं यहाँ पर लक्ष्य ने छह रन मार दिए हैं। जीत के लिए चाहिए अब एक रन, जीत के लिए चाहिए एक रन, बेहतरीन बल्लेबाजी लक्ष्य के द्वारा। जीत के लिए चाहिए सिर्फ एक रन चले लक्ष्य के लिए, और सिंगल ले लिया है और फाइनल अपने नाम कर लिया है, फाइनल अपने नाम कर लिया है जीशान क्रिकेट क्लब ने, फाइनल अपने नाम कर लिया है जीशान क्रिकेट क्लब ने, फाइनल अपने नाम कर लिया है जीशान क्रिकेट क्लब ने। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, दर्शक भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं, बढ़िया मुकाबला देखने को मिला और फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है आशिक अली की टीम ने। बहुत ही शानदार